हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 99% यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, अभी आप क्या करिए कि इस वीडियो को रोक करके अभी अपने दिमाग में इसको सॉल्व करिए, ठीक है। जब आपको नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को प्ले करके पूरा देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मैं इसको एक बार समझा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 10, यहाँ पे लिखा गया है 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। और यहाँ पे लिखा गया है 5, यहाँ पे लिखा गया है 12, यहाँ पे लिखा गया है 3, यहाँ पे लिखा गया है 2, ठीक है। आपको इसमें कुछ भी करके, इसमें क्या होता है कि दिया नहीं रहता है कि ये करना है, आपको इसमें कुछ भी जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर घन कुछ भी करके आपको यहाँ पे बताना होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, 10 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। देखिए, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह समझने का कोशिश करेंगे। इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, या इस तरह भी सोच सकते हैं, ठीक है। पट या मतलब खड़ा, इस तरह का, या इस तरह, ठीक है, इस तरह सोचेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो 5 1 जोड़ेंगे इसको, 5 1 6 और 2, 6 2 हो जाएगा 8। और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे समझिए, 10 और 9, 10 9 हो जाएगा 19। और 19 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 प्लस 12 कितना, 9 2 11 को 1 हासिल, 1 1 1 2 और हासिल 1 3, यहाँ पे आ जा रहा है 31। यानी इन सबको जोड़ने पर आ जा रहा है कितना, 31। और इसको जोड़ने पर आ रहा है आपका कितना, 8, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 31 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो आप इस तरह नहीं समझ सकते हैं, क्या है कि इसमें इधर अलग अलग संख्या आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, इस तरह सोचेंगे, इस तरह जोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, 10 6 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो जाएगा 17, यहाँ पर 17 आया। और इसको जोड़ते हैं हम लोग, 12 3 15, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। देखिए, यहाँ पे भी क्या आया, 17 आया इन सबको जोड़ने पर, और यहाँ पे भी क्या आया, इन सबको जोड़ने पर 17 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ने पर और इन सबको जोड़ने पर 17 ही आ रहा है, तो हम लोग इस बीच वाले संख्याओं को भी जोड़ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 5, 9 5 हो जाएगा 14, यहाँ पर 14 हो जाएगा। अभी 17 होने में कितना बच रहा है, 3, 14 3 होता है 17। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 14 3 हो जाएगा आपका 17। अब क्या करेंगे, 9 3 12, 12 5 17। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 3 आएगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।